नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज जिस वक्त आ रही है। कर्नाटक में आयकर विभाग की टीम ने आम के पेड़ में छिपा कर रखे 1 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। आईटी के अधिकारियों ने मैसूर में सुब्रमण्यम राय के घर पर छापेमारी की थी, जहां पेड़ पर बक्से में रखे 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। वह पुत्तूर से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सुब्रमण्यम राय के मैसूर वाले घर पर छापा मारा था। यहां से हमें पेड़ पर छुपाए गए 1 करोड़ रुपए मिले हैं। असल में चुनाव को देखते हुए यहां दोस्तों कई जगह छापे पड़ रहे हैं, और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अशोक राय के भाई के घर इनकम टैक्स ने छापा मारा। अशोक के भाई ने 1 करोड़ रुपए की राशि डिब्बे में पैक करके पेड़ के ऊपर दोस्तों छिपा रखा था। वहीं दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद लगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अब तक 110 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2346 एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे, वहीं 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एडी चोटी का जोर लगा सकती है। इसी बीच बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, आम के पेड़ पर 1 करोड़ रुपए मिले हैं। अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। जिन्होंने भी दोस्तों ये नज़ारा देखा है, हर कोई अचंभित हो गया है कि आम के पेड़ में 1 करोड़ रुपए छिपा कर रखे। फिलहाल सीबीआई ने इन सभी रुपयों को अपने हिरासत में लिया है और आगे की कार्यवाही चल रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक से। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।